वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। मानू एडमिशन 2021 में एडमिशन के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, एकदम सही बात है। आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ दो सर्टिफिकेट चाहिए मानू में एडमिशन के लिए, जो कि अभी आप लोगों को अपलोड करना होगा। मानू एडमिशन 2021 में आप लोगों को अभी क्या क्या अपलोड करना है? सिर्फ दो सर्टिफिकेट। क्या है वो? पहला तो उर्दू एज अ मीडियम या लैंग्वेज या एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है किसी भी लेवल पे, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, किसी भी लेवल पे आपने उर्दू अगर पढ़ा है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना होगा, ठीक है, पहली बात। और उसमें क्या होता है, जनरली जो है सो हम लोग मार्कशीट अपलोड करते हैं, 10th का या 12th का या फिर ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करते हैं, जिसमें उर्दू हमारा मेंशन होता है कि हमने पढ़ा है सब्जेक्ट के रूप में या मीडियम के रूप में या फिर मदरसा में, ठीक है, किसी भी रूप में हमने पढ़ा है, ये उससे साबित हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है 10th का मार्कशीट, 10th या SSC या फिर 10th के लेवल पे कोई भी इक्विवेलेंट जो है वो कोर्स, वो आप लोगों को जमा करना है उसका मार्कशीट, ठीक है। 10th लेवल पे आपने मदरसा बोर्ड से अगर 10th लेवल पे कोर्स किया हुआ है तो वो, या फिर बिहार बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, ठीक है, किसी भी बोर्ड से किया है उसका जो है सो मान्य होगा अगर सेंट्रल लेवल पे, तो वो उसका मार्कशीट आप लोगों को अपलोड कर देना है। तो दो चीज़ आप लोगों को अपलोड करना है, एक उर्दू एज अ सब्जेक्ट या लैंग्वेज या मीडियम या मदरसा बोर्ड में पढ़ा है वो जमा करना है, और दूसरा क्या है कि 10th का या उस लेवल का जो आपने कोर्स किया हुआ है उसका मार्कशीट अपलोड करना है। दो चीज़ ये जनरल वालों के लिए है। अगर आपका सिलेक्शन SC ST OBC EWS PWD या फिर NCC कोई भी खेल कोटा, इस तरह का कोई भी कोटा से आपका प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो उन दोनों सर्टिफिकेट के साथ साथ ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो जिनका कोटा से हुआ है सिलेक्शन उनको 3 सर्टिफिकेट टोटल सबमिट करना है, अपलोड करना है, और जो जनरल से सिलेक्शन जिनका हुआ है उनको सिर्फ 2 सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है अपने ID को खोल के, जहां अपलोड करने का मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है इस पर, तो उस पर जाके अपलोड कर देना है। तो एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ कि जिनका सिलेक्शन जनरल कोटा से हुआ है उन लोगों को सिर्फ 2 सर्टिफिकेट जमा करना है, एक उर्दू एज लैंग्वेज या सब्जेक्ट या मीडियम या मदरसा में पढ़े हैं वो, और दूसरा 10th का या 10th के इक्विवेलेंट जो कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट, टोटल 2 सर्टिफिकेट जमा करना है। और जिनका किसी अलग कोटा से हुआ है, OBC SC ST EWS PWD NCC या स्पोर्ट्स कोटा, तो उनको बाकी दोनों सर्टिफिकेट के साथ साथ ये वाला कोटा वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो टोटल इनको 3 सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बाकी का सर्टिफिकेट अगर आप लोग अपलोड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। बाकी के सर्टिफिकेट को जमा करना होगा, अभी नहीं किया तो कोई बात नहीं है, आप लोग 31 अक्टूबर तक जमा कर देंगे। अभी यही जो सर्टिफिकेट जो मैंने बताया है वो एकदम नेसेसरी है, ज़रूरी है, ये तो आप लोग को अपलोड करना ही होगा, और ये सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी का सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर तक जमा कर देना है। अभी जो मैंने आप लोगों को सर्टिफिकेट बताया है कि अपलोड क्या करना है, उसके अलावा भी बाकी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए, ठीक है, वो 31 अक्टूबर के अंदर आप लोगों को जमा करना है, बाद में जमा कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर शाम में मैं YouTube लाइव पे आऊँगा तो उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं।